यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर उज्जैन के महितपुर क्षेत्र में एक बड़ा जखीरा पकड़ाया है, जहां तकरीबन 260 बोरी यूरिया खाद प्रशासन को मौके से मिली, जिसकी सूचना मिलते ही किसानों में आक्रोश भड़क उठा और खाद की हो रही कालाबाजारी को लेकर उज्जैन आगर रोड पर किसानों द्वारा चक्का जाम कर दिया गया। खाद की कालाबाजारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे वो लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे वो लड़ाई है। जानकारी मिली हमने, हमारे पास फोन आया कि 400 रुपए में खाद बेच रहा है, तो हमने कहा तो भाई वही रुक। मैं कृषि समिति के अध्यक्ष होने में आते हुए हमारे मंडल तेजस्वी सिंह जी को हम दोनों को सूचना मिली, सूचना मिलती हमने अवगत करवाया विभागीय टीम को, कृषि विभाग को, तहसीलदार साहब को। तो तहसीलदार साहब को और कृषि विभाग दोनों वहाँ मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँचते ही हमने जैसे ही देखा वहाँ तो गोडाउन पूरा भरा हुआ था। एक गोडाउन का जो शटर गिरा के भाग गए उनका एक छोरा, और एक गोडाउन का शटर लगा हुआ नहीं था, उसमें शटर नहीं है। तो उसमें लगभग 300 के समथिंग बोरियाँ पड़ी थी और 400 के भाव में खाद बेच रहे थे। और इस बात को लेके हमने प्रशासन ने पंचनामा भी बनाया, पर उन्हें FIR दर्ज नहीं करवाई, इस बात को लेके ना चक्का जाम किया था। दरअसल पूरा मामला यूरिया खाद से जुड़ा हुआ है, जहां एक तरफ किसान लगातार बारिश से चौपट हुई फसल से उभरा भी नहीं था, पर गेहूं की फसल लगाने के बाद सड़ से कर्ज का बोझ उतारने की आस में बैठे किसानों के मन में खाद की कालाबाजारी ने फिर से एक बार सबके सामने सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार किसान कब तक परेशान होकर आत्महत्या करता रहेगा। किसान परेशान है बिजली की बात हो, खातर की बात हो, मगर खातर में तो बहुत सारी कालाबाजारी हो रही है। जहाँ जाऊँ वहाँ बड़े बड़े लोगों ने अपने गोडाउन भर ली और अवैध तरीके से 400 रुपये, 500 रुपये, 400, 300, 270 रुपये का खाद 500 रुपये, 400 रुपये में बेच रहा है। इस प्रकार का महितपुर में जो अड्डा बना कालाबाजारी का, खाद बीज दवाई का, बिल्कुल किसान का खून चूस रहे हैं लोग। ताजा मामला महितपुर के बिनखेड़ा रागवी थाना क्षेत्र का है, जहां यूरिया खाद की कालाबाजारी की सूचना मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और मौके से एक दर्जन बोरियों के साथ बोलेरो सहित निर्माणधीन मकान में 260 यूरिया खाद की बोरियों का जखीरा जब्त किया। कृषि विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर कमलेश राठौर और उनकी दल द्वारा ग्राम भीलखेड़ा में कुछ एक निर्माणाधीन मकान में यूरिया पाई गई, और वहाँ पर उनको उनके द्वारा बताया गया कि साहब यहाँ पर एक गाड़ी में, बोलेरो गाड़ी में कुछ बोरियाँ रखी थी जिन्होंने खरीदी है उससे, और किस आधार में बेच रहा है, क्या है, इस संबंध में पूरी जानकारी उनके द्वारा ली जा रही है। उन्होंने पूरा पंचनामा और जब्तीनामा बनाया कृषि विभाग ने। किसानों को जैसे ही यूरिया खाद की कालाबाजारी का पता लगा तो किसान आगर उज्जैन रोड पर चक्का जाम कर नारेबाजी पर उतर आए, जिसको लेकर मौके पर मौजूद प्रशासन की टीम हरकत में आई और 2 से 3 घंटे की समझाइश के बाद किसान माने और किसानों ने 24 घंटे में यूरिया खाद की कालाबाजारी करने वाले माफिया मांगीलाल आंजना को गिरफ्तार करने की मांग भी की है। VVS सेंगर, सिटी चैनल, उज्जैन। माननीय तहसीलदार साहब ने बताया कि 24 घंटे में कार्रवाई हो जाएगी, अगर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होती तो पुनः कल शाम को 5 बजे हम हजारों की तादाद में किसानों के साथ में महितपुर आगर उज्जैन रोड जाम करेंगे।